नमस्कार दोस्तों, धमाष्ट प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो के प्रश्नोत्तरी है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन कराया जा रहा है। 50 क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन है, बस आप लोग कापी कलम लेकर बैठ जाइए और जो इम्पोर्टेंट लगे वो लिखते चलिए। ऐसा करने से आपका अगला सेशन जब करवाया जाएगा तो उसमें आपका 50 में से 48 क्वेश्चन सही रहेगा, क्योंकि आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है। तो बिना समय गंवाए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये अधोलिखित और पठित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर देना है और आपका 1 से 4 तक है। इसको पहले इसे पढ़िए आराम से, आधे में आ रे घुमक्कड़ ही थी, इसको पढ़ते रहिए आप लोग आराम से, बढ़िया। इसको देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक बात आपको बताते चले कि इसमें अपने मन का नहीं करना है आप लोगों को। ये नहीं कि बस क्या कहते हैं कि जो गद्यांश में दिया गया है वही आप लोग आंसर लगाएंगे। आंसर लगाने की बात पर कि अगर महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व जो इसमें दिया गया वही ऑप्शन लगाना, ये नहीं कि जी के जी एस पढ़ रहे हैं तो उसमें से लगा दीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? A 12 वर्ष, B 35 वर्ष, C 45 वर्ष, D आपका 80 वर्ष। तो एक का बेहतरीन जवाब आप लोग का एक का बी हो जाएगा। तब उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी पारसौली में। तो 2 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी प्रकार का जैसे TGT, PGT, TET, सुपर टेट और ये आपका BDO, लेखपाल, मतलब जो भी है, अगर आपको PDF चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए या और कुछ बेहतर चाहिए तो आप लोग मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उस पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं या WhatsApp के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 3। सूर्य धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी मुस्लिम धर्म, डी आपका वैदिक धर्म। तो 3 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो वैदिक धर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी गुण संधि है, डी आपका व्यंजन संधि है। तो 4 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में दीर्घ स्वर क्या है? बताएंगे, दीर्घ स्वर है बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ और छोटा ऊ। तो बताएंगे कौन सा? अभी देखिएगा इसमें नहीं है होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया? नहीं है, तो ये आपका ऊ हो जाएगा, 5 का सी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का है कि चा है कि टा है कि या है? तो आपका या हो जाएगा। अच्छा, अंतस्थ होते कितने हैं? तो 4 होते हैं, या, वा, रा और ला। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एकल प्राण व्यंजन कौन सा है? बताएंगे, अल्प प्राण व्यंजन। पहले तो ये जानिए अल्प प्राण में क्या होता है। अल्प माने होता है कम, प्राण माने होता है वायु। जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम वायु लगे वहाँ आपका कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है। तो अब देखेंगे प्रत्येक, ये देखिएगा प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5वां अक्षर आपका क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा अल्पप्राण। तो ए का बी खा, सी घा, डी आपका धा। तो देखिएगा पहला, तीसरा, पांचवा, तो इसमें ए हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा भैया? का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आप लोग अगर एकाग्र होकर वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखा। अच्छा, बार बार हम ईमानदारी इसलिए कहते हैं ना कि आप लोग देखते तो हैं वीडियो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो नहीं देखते, लेकिन ईमानदारी नहीं बरतते, मतलब इधर उधर ताकते झांकते रहते हैं, मन कहीं दूसरी जगह लगा है। 100% दिमाग इसी पे लगाइए, इन्हें 100% में 10% आपके इस पे रहे और 90% कहीं और चलता रहे। तो भैया, अधिकारी बनने के लिए ईमानदारी तो दिखाना ही पड़ेगा और बेहतरीन तैयारी के लिए कापी कलम लेकर बैठना पड़ेगा ताकि चीज़ों को नोट करते जाएं। नोट करते जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और किसी प्रकार की दिक्कत हो, मतलब हमको ये PDF वगैरह की, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। मतलब एक एक टॉपिक का समझ लीजिए 200-200 क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? एक टॉपिक जैसे वर्णमाला से अगर 200 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए ना, या आपको मिल गया, तो आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये समझ लीजिएगा। तो आप लोग वो PDF प्राप्त करने के लिए WhatsApp के माध्यम से
फोन कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगला देखिएगा, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? पा, बा, कहा, सी, बा, डी आपका गा। अच्छा, अघोष होता क्या है? तो जिसमें गूंज ना हो, समझ रहे हैं? और तो वर्ग का पहला दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा मतलब पा है आपका अघोष होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी की बा ध्वनि है ए दंत ध्वनि, बी होष्ठ ध्वनि, सी मूर्धन्य ध्वनि, डी तालव्य ध्वनि। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का। तो एक सूत्र हम आपको जितनी बार ये उच्चार स्थान पढ़ाते हैं उतनी बार हम आपको बताते हैं कि याद कर लीजिए, लृतु लसा नाम दंता, उपोपद्मनिया नाम ओष्ठो, मूर्धन्य का क्या हो जाता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, और उपोपद्मनिया नाम ओष्ठो। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का और पा वर्ग का उच्चार स्थान क्या होता है भैया? तो ओष्ठ होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है नहर, बी तीर, सी पंचानन, डी आपका जीव। तो बताएंगे योग रूढ़। अच्छा, योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, यौगिक और योग रूढ़ एक जैसे होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। अंतर क्या होता है फिर मैडम जी? अगर अंतर ना होता तो कहीं ये अलग अलग चीज़ें होती। अंतर ये होता है भैया कि दो या दो शब्दों से मिलकर ये भी बना होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर ये भी बना। अंतर ये होता है कि यौगिक वाले शब्दों का सामान्य अर्थ होता है और योग रूढ़ वाले शब्दों का विशेष अर्थ होता है। अब देखिएगा, इसमें जीव कह देने से सामान्य अर्थ जीव का, तीर कह देने से तीर का, नहर कह देने से नहर का, लेकिन पंचानन कह देने से किसी सामान्य का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए एक रूढ़ इसमें पंचानन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वह क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद होगा चंद्रधन उदय, बी चंद्रोधन उदय, सी चंद्रधन उदय, डी आपका चंद्रोधन उदय। तो 11 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, चंद्रधन उदय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12। रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? रथ चलाने वाला रथ, बी रथ को चलाने वाला, सी रथ को चलाने वाला, डी रथ जो चलता है। तो 12 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, रथ को चलाने वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रा, बी प्रति, सी प्रा, डी आपका पा। तो 16 का 13 का बेहतरीन जवाब आप लोग का प्रत्येक में क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप लोग। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, मतलब एक ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है, मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु, डी आपका अनुवाद। तो 14 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा। वैज्ञानिक में कौन सी प्रत्यय है? एक, कृपाल में आलू प्रत्यय है और मर्मज्ञ में ज्ञा है, तो अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए सुहाग है, बी भाभी है, सी रीस है, डी आपका मनुष्य है। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का 15 का डी हो जाएगा, तत्सम। हम आपको बताते चले, जब भी आप आधा अक्षर देखिए किसी शब्द में तो आप उसको तत्सम लगा दीजिए, 99% केस ये सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। कौन सा भैया? 16 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? ए आसमान, बी अंबर, सी आसमान, डी आपका नभ। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का, आसमान आकाश का तद्भव क्या होगा? तो 16 का आपका हो जाएगा ए आसमान होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कौन सा? 17। निम्न में से कौन सा देशज है? ए अहकल, बी नीलाम, सी शैला, डी इनाम। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब 17 का कौन सा हो जाएगा भैया? सी छैला जो है देशज है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? चेला, बी अथा, सी आपका झूठ, डी आपका सिगरेट। तो 18 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 18 का डी हो जाएगा, सिगरेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है? ए थकावट, बी बुराई, सी आलस, डी बुढ़ापा। तो 19 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा थकावट में है।
अच्छा थकावट में आप जान लीजिएगा जिसमें प्रत्यय जुड़ी हो, थकावट प्रत्यय, आस प्रत्यय, पा प्रत्यय, समझ रहे हैं, पन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ये सब जिसमें जुड़ी होंगी वो आपका कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, मैं हम। देखिएगा आगे बढ़ा देते हैं, उत्तम पुरुष वाले जोड़े को बताना, मैं हम, तू तुम, वह हुए, इससे, इन्होंने। तो बेहतरीन जवाब आप लोग का 20 का ए हो जाएगा, मैं और हम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में विशेषण शब्द हैं, ए लाघव, बी महत्व, सी लघुता, डी आपका महत्व। तो बताएंगे 21 का बेहतरीन जवाब आप लोग का विशेषण महत्व होगा, क्या होगा, महत्व। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, तो अकर्मक क्रिया है बी, आज्ञार्थक क्रिया है सी, द्विकर्मक क्रिया है डी, प्रेरार्थक क्रिया है। तो बताएंगे 22 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा, डी हो जाएगा, प्रेरार्थक क्रिया है। अच्छा प्रेरार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, तो माँ ने खुद काम नहीं किया, पिताजी से काम करवाया, जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से करवाता है वो आपको क्या हो जाता है भैया, तो प्रेरार्थक क्रिया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में अव्यय है, सीता, बी मोहन, सी गंगा, डी के बाद। तो आपको पता होगा ये एकदम सरल है, सीता, गंगा, मोहन ये आपकी अव्यय हैं, लेकिन के बाद आप वो सॉरी संज्ञा हैं, और के बाद आपका क्या हो जाएगा भैया, अव्यय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि अधिकारी बनने के लिए ऐसे हल्के में पेपर नहीं होगा कि बस आप लोग जाए सना सना से, समझ में आ रहा है ना, सना सन कह रहे हैं तो मतलब आपको दिमाग एकाग्र करके बढ़िया एक टाइम टेबल बना के जुटे रहना, प्रत्येक दिन आपको वीडियो का पेपर सॉल्व करना है, कि जिस दिन हमारी परीक्षा की डेट है उस दिन हमें यह ना कहना पड़े कि हे भगवान पेपर टल जाए, समझ रहे हैं हमारी बातों को। और किसी चीज़ की पीडीएफ वगैरह की आवश्यकता है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन दे दिया जाएगा मतलब ये समझ लिया 5000 क्वेश्चन हिंदी के हैं। अगर आप लोग को ये लगता है कि नहीं, अगर एक टॉपिक से हमको 200 क्वेश्चन मिल जाता तो हमारा वीडियो का पेपर बेहतरीन हो जाता, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको चाहिए, और यह मोबाइल नंबर दिया गया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखेंगे भैया सौदा, सौदामिनी क्या है, सौदामिनी का पर्यायवाची है, गंगोत्री होगा, बी व्यापारी होगा, सी दारा होगा, डी विद्युत होगा। 24 का बेहतरीन जवाब 24 का डी हो जाएगा, सौदामिनी का पर्यायवाची विद्युत होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जंगम का विलोम क्या होता है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है वीडियो वाला जो वीडियो में दिया गया, ये चाहे जो तैयारी आप वनडे वगैरह तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ही समझिएगा लाजवाब, जंगम वाला तो कन्फर्म है, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जंगम का विलोम शब्द है, ए अगम होगा, बी दुर्गम होगा, सी स्थावर होगा, डी आपका चंचल होगा। बेहतरीन जवाब आप लोग का 25 का सी। उम्मीद है कि अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैडम जी हमारा इतना क्वेश्चन सही गया, इससे क्या होता है ना मोटिव मिलता है कि हाँ चलो ठीक है ये लोग पसंद कर रहे हैं। और भी कोई दिक्कत समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और देखिएगा 26, जिसको भूम केंद्र की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, भूधर, बी भूगर्भविद्या, सी पुराविद, डी आपका पार्थिव। तो बताएंगे 26 का बेहतरीन जवाब बी, भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। भूधर किसे कहते हैं, जो भूमि को धारण करे। पार्थिव किसे कहते हैं, जो पृथ्वी से बना हुआ शरीर को पार्थिव कहा जाता है। रंक रंग शब्द युग्म का सही अर्थ है, रंक माने क्या होता है और रंग माने, तो ए भिखारी वर्ण, बी वर्ण भिखारी, सी राजा प्रजा, डी राजा वर्ण। 27 का बेहतरीन जवाब एकदम सरल क्वेश्चन, भिखारी और वर्ण, रंग का मतलब भिखारी और रंग का मतलब वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी का मतलब होता है भैया एक शब्द है लेकिन उसके कई अर्थ हो, जैसे कर, बी वर्ण, सी लज्जा, डी अर्क। बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का 28 का सी हो जाएगा, लज्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29, कौन सा भैया 29, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, पौरुष, बी पौरुष, सी पौरुष, डी पौरुष। बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 29 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, पौरुष हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए शरत चंद्र, बी यानी, सी शमसरू, डी आपका कवित्री। तो 30 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, यानी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से संप्रदान कारक का परसर्ग कौन सा है? ए को के लिए, बी पर, सी से, डी आपका ने। तो 31 का बेहतरीन जवाब आपका को के लिए हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 32। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? बताएंगे विदुषी, बी छात्रा, सी पड़ोसी, डी आपका शिष्या। तो इसमें ज़्यादा समझदारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस विदुषी, छात्रा, शिष्या आपका स्त्रीलिंग है, बचा क्या पड़ोसी, और पड़ोसी मर्द आपका पुल्लिंग होगा। अगला देखेंगे बेहतरीन जवाब आप लोग, बस आप लोग ऐसे ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में कितना सही कर पाए इसको जरूर दीजिएगा। जरूर देने का मतलब ये है ना कि हम आपसे जुड़े रहेंगे, ये लगता है कि चलो बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से, और क्या किया जाए इनके लिए तो और बेहतर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग इसको ऐसे ना लीजिए, जितना क्वेश्चन आप लोग किए उसका आंसर जरूर दीजिएगा कि मैडम जी हमारा इतना क्वेश्चन गया, हमारा 50 में 35 गया, हमारा 50 में 30 गया, क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं बातों को। या ये टॉपिक अगर क्लियर हो जाता थ्योरी में तो हम और बेहतर कर पाते, तो वो आप हम ऐसे थोड़े के बस आप वीडियो को देख लिया हम यहाँ से अंतर्यामी हैं जान गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि मैडम जी ये टॉपिक हमारा नहीं, पता नहीं कैसे 50 में 35 जा रहा। अगर ये हाँ तो ये भी टिक लगा लीजिएगा 50 में 35 किस किस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा, तभी तो हम आपको मतलब तद्भुत दशम से गलत हो रहा वो भी आपको सीरीज हम करवाएंगे, इतना बेहतरीन लाजवाब करा देंगे ना, इससे बार आपको कुछ भी आएगा नहीं। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बहुत बेहतरीन, आगे पुल्लिंग दिया गया, स्त्री भी चली सिया न पाए इसलिए स्त्री भी दे दिया गया ना, और क्या, ए मालिक, बी कहार, सी पाठक, डी योगिनी। बेहतरीन जवाब आप लोग का 33 का क्या हो जाएगा, डी योगिनी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है? ए प्राण, बी दर्शन, डी सी आपका ऊंट, डी आपका तेल। 34 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, तेल आपका सदैव एक वचन में रहता है। नोट करते चलिए, ये क्वेश्चन पक्का हर सेशन में पूछा जाता है कि प्राण, दर्शन और ऊंट आपके बहुवचन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अच्छा अपूर्ण का मतलब क्या होता है, तो जहाँ रहा है, समझ रहे हैं। अब भूतकाल की बात है तो जहाँ था आएगा, यही वर्तमान काल की बात होती तो रहा है आता, समझ रहे हैं ना। अगला देखेंगे इसी में, रामू खाना खा रहा था, तो अब कोई सोचने की जरूरत नहीं, ए लगा दिए जहाँ अपूर्ण वर्तमान आए। अपूर्ण वर्तमान का काल होता मतलब कंटिन्यूअस, पढ़े होंगे आप कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, समझ रहे हैं, वही कंटिन्यूअस को आपका क्या कहा जाता है, अपूर्ण भूतकाल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ए कर्तवाच्य है, बी कर्मवाच्य है, सी भाववाच्य है, डी आपका क्रियावाच्य है। तो 36 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का 36 का हो जाएगा, बी कर्मवाच्य है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 37। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद है सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। तो बताएंगे 37 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि पहचानिए। ए मुझे कल, बी 2 किलो, सी लीची खरीदने हैं, डी कोई त्रुटि नहीं। 38 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का सी हो जाएगा, लीची खरीदने हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें देखने की जरूरत है, ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है हंसपद चिन्ह, लोप चिन्ह। हंसपद चिन्ह वो होता है जहाँ अगर कुछ चीज़ें हम लिखना छूट गए तो हंसपद लगा के लिख सकते हैं। ये है आपका इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा मतलब उद्धरण चिन्ह। आगे देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चन 40। सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ गड़बड़ होना, बी दाल खराब होना, सी बिगड़ जाना,
डिसक करना, तो 40 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, कुछ गड़बड़ करना। अगला देखेंगे 41, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है ए खुजली करना, बी माफ़ी मांगना, सी नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, डी अर्थ ज्ञात नहीं। 41 का बेहतरीन जवाब आप लोगों, नाक रगड़ना मतलब माफ़ी मांगना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाक वाक रगड़ना आ जाए ना, तो आप लोग तो उसमें इतना जानकार हैं, उतना तो आयोग नहीं जानता होगा, सही है कि नहीं। होनहार बिनवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है होनहार बालक सुंदर होता है, बी सुंदर बालक होनहार होता है, सी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, डी आपका होनहार बालक सुंदर नहीं होता। बेहतरीन आंसर आप लोग का 42 का सी हो जाएगा, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने, ए तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल। समझ में आ रहा, दूल्हा को पत्तल नहीं और बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। 43 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, बहुत ये भी बेहतरीन है आपका। बृहद आकारियों श्रेष्ठ रचनाओं का जो सार गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है, सार अनुवाद, बी छायानुवाद, सी व्याख्यानुवाद, डी आपका शब्दानुवाद। 44 का बेहतरीन जवाब उसे कहते हैं सारानुवाद। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की। बेहतरीन जवाब आप लोग का 45 का भी पश्चिमी हिंदी की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, काउंटर एक्शन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है जवाबी कार्रवाई, बी मार गिराना, सी द्रुतगामी कार्य, डी उपेक्षित कार्य। तो बताएंगे 46 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, जवाबी कार्यवाही। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, प्रेम सागर किसकी रचना है, मुंशी सदा सुखलाल की, बी सदल मिश्र की, सी लल्लू लाल की, डी राम प्रसाद निरंजनी की। तो 47 का बताएंगे बेहतरीन जवाब 47 का सी लल्लू लाल की हो जाएगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, क्या देखेंगे भैया 48, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, अंधेर नगरी, चौपट, राजा टकेसर, भाजी टकेसर, खाजा। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी आपका भीष्म साहनी। तो 48 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से रीत काल के कवि हैं, तुलसीदास, बी कबीरदास, सी बृंद, डी आपका सूरदास। तो 49 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, बृंद। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक्टिव रहिए, मस्त रहिए, एकदम सीधा चलिए, रीढ़ उड़ की हड्डी सीधी करके आप बैठिए पेपर सॉल्व करने, काजल वाजल बढ़िया लगा के ना, क्रीम व्रीम जब ये सब लगाए रहेंगे ना तो बढ़िया एकदम 100% आपको नींद आएगी नहीं, जब नींद नहीं आएगी तो आप बेहतरीन अधिकारी बनेंगे, सही है ना। तो पढ़ते रहिए बढ़िया। राम आधारित सिद्ध दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, सी संस्कृत के चार अध्याय पर, डी रश्मि रथी के। तो 50 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी संस्कृति के चार अध्याय पर। तो ये आपका सेशन खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में वही एनर्जी के साथ, वही ऊर्जा के साथ, समझ में आ रहा है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।